नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स। जस्ट अभी कंपनी ने अनाउंस किए और काफ़ी ज़्यादा ख़राब नतीजे, इतने ख़राब नतीजों की उम्मीद मार्केट में शायद किसी को भी नहीं रही होगी। ये वीडियो पूरा देखना अगर आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं या बाय करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए कंपनी के कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो नंबर्स हैं उसके शीट मैंने ओपन की है। सबसे पहले आपको बता दूं कैसे किसको कंपेयर करेंगे। जून से लेकर सितंबर 21 में कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये पिछले साल के Q2 की डेटा है, यानी सितंबर 2020 के। जून से लेकर सितंबर 21 में कंपनी की टोटल इनकम को सबसे पहले कंपेयर करके देखते हैं कैसी आई है। तो अमाउंट सारा मिलियन में है, 740 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम आई है 614 करोड़ की। तो इनकम में आपको क्लियरली यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे हटाने के बाद, तो देखिए 102 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम मात्र 14.5 करोड़ की आई है। ज़बरदस्त गिरा है कंपनी का मुनाफा, क्लियरली आप देख सकते हैं 1023 मिलियन के सामने 145 मिलियन का मुनाफा हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी ऐसा नहीं है कि बढ़ गए इस वजह से मुनाफा गिरा है, बल्कि एक्सपेंडिचर कम हुए हैं। आपको 604 करोड़ के सामने एक्सपेंडिचर 589 करोड़ के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने से पहले, तो देखिए यहाँ ज़बरदस्त गिरावट है, 135.8 करोड़ के सामने आई है 25.2 करोड़ की। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्थिति खराब आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं कंपेयर करूँ इसको पिछले साल से, सितंबर 20 से सितंबर 21 में कंपनी की टोटल इनकम को 410 करोड़ के सामने इनकम कंपनी की जरूर बढ़ी है साल दर साल आधार पर, जो कि 614 करोड़ की आई है। और प्रॉफिट की बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ 24.1 करोड़ के सामने 14.5 करोड़ का, यानी प्रॉफिट भी अगेन यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ईयरली बेसिस पे, ये सामने आपके नतीजे। उसके अलावा बात करें पीवीटी की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28.7 करोड़ से गिर कर आया है 25.2 करोड़ का, यहाँ भी आपको गिरावट दिखेगी। उसके अलावा खर्चे अगर मैं आपको बताऊँ, 38.14 करोड़ से कंपनी के खर्चे बढ़, माफ़ कीजिए, 381.4 करोड़ के सामने खर्चे गिर कर कंपनी के बढ़ कर आए हैं 589.5 करोड़ के, यानी खर्चे काफ़ी ज़्यादा कंपनी के बढ़े हैं ईयरली बेसिस पे। अदरवाइज़ ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और स्टॉक ने जिस हिसाब से तेज़ी बनाई थी पिछले महीनों में, मैं चार्ट्स पे भी आपको दिखाऊंगा, ये नतीजे बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड हैं और एक हादसा आप इसको कह सकते हैं, ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। तो देखिए सबसे पहले मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। स्टॉक बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मार्च की ही लिस्टिंग है, और स्टॉक लिस्ट हुआ था तब मैं इसका प्राइस आपको बताऊँ। इनिशियल जो प्राइस था इसका लोएस्ट अब तक का वो है 145 का, और हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे बहुत ऊपर है वो है 628 का। दमदार गेन स्टॉक ने मंथली चार्ट में बनाए हैं, और पिछले 1 से 2 महीनों में करेक्शन ज़रूर आपको देखने को मिला है, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी काफ़ी ऊंचाइयों पर ही ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पर अगर देखेंगे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से देखेंगे, जो कि 628 से 30 की रेंज का है, 450 के आसपास 459 रुपये पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक देखिए मेरे हिसाब से और तेज़ी से फिसलना चाहिए, जो कि 400 रुपये पर अगला सपोर्ट ले सकता है, यानी 59 रुपये नीचे अगर 400 पर संभला तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज़ और टूट सकता है। इस हिसाब से नतीजे जैसे आपने देखे हैं, और जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम बनाया था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नतीजे सूट नहीं करते इसकी चार्ट की स्ट्रक्चर को, तो किसी ने होल्ड कर रखा है तो आपका जो निर्णय वो आप देख सकते हैं। हालांकि व्यू मीडियम से लंबी अवधि के लिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी का स्टेटस बिगड़ने वाला है चार्ट्स के हिसाब से। चलिए बात कर लीजिए इस वीडियो में हमने लक्ष्मी केमिकल स्टॉक के नंबर जस्ट अभी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर जस्ट अभी डिक्लेयर किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।